हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जय सोनी फ्यूचर बिगेस्ट स्टार। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग नहीं कह सकते, मतलब बहुत ही चटपटा टाइप का होगा, बिकॉज अभी फ़िलहाल तो मैं मैगी बना रही, मैगी बन रहा है, उसके बाद हम लोग खाएंगे और उसके बाद का प्लान है हम रोटी और आलू की सब्ज़ी खाने वाले, और आज पैकिंग करना है घर जाने के लिए। तो चलते हैं फटाफट, पहले मैगी बनाते हैं और खाते हैं, उसके बाद फिर हम पैकिंग करेंगे, है ना। फ्रेंड्स, एक्चुअली हुआ क्या, हम लोगों ने मैगी खाने के बाद और मैगी खाने के बाद क्या बोलते हैं आलू और आलू की सब्ज़ी खाने के बाद सो गए, तो शाम हो गया। मैंने सोचा चलो जल्दी जल्दी पैकिंग कर लेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं है, अब शाम हो गया। शायद सुबह का भी लुक ऐसा ही दिख रहा था, जब पूरी सनराइज नहीं हुआ था और अभी सनसेट हो रहा है। तो अब हम जा रहे हैं पैकिंग करने, मतलब छा रहा है, अब चलते हैं पैकिंग करेंगे। खाना खा लिए थे, मैंने सोचा था आज पानी पूरी भी बनाएंगे, लेकिन अब मुझे लग रहा बहुत शाम हो गया तो आज पानी पूरी कैंसिल ही हो गया। मेरा मन था पानी पूरी बनाने का, तो चलते हैं और पैकिंग करते हैं। आप ऐसा भी सोच सकते हो कि मैं बार बार छत पे ही आके क्यों ब्लॉगिंग कर रही, बिकॉज इसलिए क्योंकि मेरे नीचे ना एक दुकान है और दुकान में ना बहुत ही म्यूज़िक बजते हैं, लड्डू गोपाल के बार बार गाना बजाते रहते हैं, तो बहुत लाउड आवाज़ आता है मेरे रूम तक, तो इसी वजह से मैं ऊपर आ जाती हूँ। बट कोई नहीं, चलते हैं नीचे। और क्या, और दीपू बाबू लोग अभी सो रहे हैं तो मैं अकेले पैकिंग करूँगी, बाबू भी लैपटॉप चलाते चलाते सो रहे हैं। छत से आ गई रूम और अब देखो कितने सारे सामान मैं बिखरा के रखी हूँ, कुछ कुछ मतलब चूड़ा वगैरह भी मुझे लेके जाना है ना, तो वो सारी चीज़ों को फैला के रखी। फिर बाबू सो रहे हैं, मतलब लैपटॉप देखते देखते वैसे ही सो गए। सुबह से उठ के जो ईयरबड्स कान में लगा कर जो ये सो मतलब देखे हैं, लगभग लगभग पढ़ा है 3 बजे तक देखा है इन्होंने, उसके बाद सो रहे हैं, अभी सो रहे हैं बाबू और हम पैकिंग कर लेते हैं, तब तक सो रहे हैं। तो मुझे क्या क्या लेके जाना है डिसाइड भी नहीं किया है। घर पे जाते ही उसके कुछ दिन बाद ही शादी है वहाँ, मेरे देवर हैं उनका, तो जो जो ज्वेलरी मैं लेके आई हूँ उनमें से कुछ लगे कि हाँ वहाँ पहनने लायक है तो मैं लेके जाऊँगी साथ में। तो चलिए पैकिंग करते हैं फटाफट। इतने सारे बैंगल्स, ये मेरे करवा चौथ के टाइम इसको मैंने पहना था ये बैंगल्स को, और अभी साइड में थोड़े थोड़े दरार पड़ गए, मुझे लग रहा है ये रास्ते पहन के चली जाऊं, तो दूर पर मैं नहीं पड़ रहा है यहाँ से, इतना सारा मतलब यहाँ पे भी ज्वेलरी का बॉक्स वगैरह आ गया। ये देखो इतनी सारी इयर रिंग्स है मेरे पास, लगभग 1 2 3 सारी कॉलेज की इयर रिंग्स बोल रही है, रिंग्स है ये इयर रिंग्स है, इन सबों को एक बॉक्स में रखने वाली हूँ मैं, और जो मेरी यूज की चीजें वो सारे इसमें डालूंगी और बाकी जो बेकार की चीजें उसको इसमें डालेंगे, और एक बॉक्स जाएगा घर जो कि ये है इसमें ही जाएगा। ये रहे मेरे इतने सारे बैंगल्स, ये बैंगल है और इधर भी, इसमें से एक डब्बा जाएगा बैंगल्स घर और एक यही रहेगा, ये भी है बैंगल वाली चूड़ियाँ, तो ये बस ऐसे ही रेगुलर यूज के लिए, तो जो कभी कभार यूज करती हूँ। ये वाले डब्बे में ज्वेलरी है जो मैंने छांटा है घर ले जाने के लिए, ऑन है कि नहीं बाबू,
और बाबू उधर कैमरा ले रहे हैं मेरा कैमरा कर रहे हैं मेरा मिला था वो क्या बोलते हैं मेरे रिंग एनिवर्सरी के दिन एक यूनिक सा है की करे हाँ की करे और है या नहीं देखिए बाबू की बदमाशियां क्या कर रहे हैं बाबू इतने बड़े हो गए हैं लेकिन उनको बस काम फैलाना आता है ज्यादातर मतलब ज्यादा काम फैला देते हैं इधर उधर सारे डब्बों को जानबूझकर वो फैला रहे हैं ताकि मामी को करना पड़ेगा अब समझ में आया आप बुरे की सो रहे थे मैं तो वो यूज ही नहीं करती कितना दिन हो गया हम यूज ही नहीं किए पागल हम नहीं बनाते हैं ये मेकअप फिक्सर और ये रहा कंसीलर जो कि हम मेकअप करते हैं तो कभी कभी यूज करते हैं पता नहीं अभी तक तो मैंने शायद एक बार इसको यूज किया है वो खोपा की समझ में आ गया मामा इसी से प्रपोज किए थे क्या रोस्टेड कर रहे हैं प्रैंक कर रहे हैं यहाँ पे आप समझ में आया आग कहीं से काला करके से हट गया और ये वाला ज्वेलरी देखो जो कि मुझे पसंद है बट मैंने अभी तक अच्छे से इसको किसी दिन भी नहीं पहना है देखते हैं कब इसको वियर करें पहनने बोला मत पहनने डाल दे दीजिए ये मिला था हम तुमको को क्या करें आपको पता होगा ना बाबू शायद कब मिला था मिला था कब मिला जब हम लोग लेके आ रहे थे पिछले बार आपको तब मिला था अरे हम छाटने बैठे हैं ना कि हम बाबू इधर दीजिए वो सारी चीज इधर लाइए ऐसे फेंक फेंक के मत दीजिए देखिए देखिए बाबू का क्या कहना है इनका कहना है कि जो फाउंडेशन होता है ना वो लगा के लड़कियां गोरी हो जाती है ये रहा मेरा फाउंडेशन लैक्मे का फाउंडेशन जो कि बहुत कम यूज करती हूँ मैं बस पॉन्ड्स क्रीम यूज करती हूँ रेगुलर जो कॉलेज चुड़ैल लोग कैसे बनती है चुड़ैल लोग को रानी कैसे बना देता है कैसे ये रहे एक और रिंग मुंह में तोप देता है गोबर सब सुबह का मुंह चुपता हो बस बस और कितने सारे वो निकालेंगे आप ये तो लिपस्टिक जाएगा मेरे साथ ये भी आर्टिफिशियल मामा भी तक मुझे एक भी सामान खरीद के नहीं दिया समझ में आया ना तो सब पहले का है मामा को फुर्सत काम मामा हमेशा बोलेंगे अभी नहीं बाबू थोड़ा दिन बाद खरीद देंगे ना थोड़ा दिन रुकना थोड़ा थोड़ा दिन करके पता नहीं कब तक मुझे रुकना ही पड़ेगा ये लिपस्टिक वैसे अच्छा है कल हम जाते सेव नहीं हो पाता वीडियो पता उस दिन गए थे ना घूमने के लिए बहुत सारा वीडियो पता नहीं गायब होगा चंबल गार्डन में तो फिर क्या दीपू बाबू के फोन में थोड़ा बहुत हुआ तो हो ही ध्यान रखिए इतने सारे चीज बाबू ट्राइपॉड लेके कब से खेलने में बिजी है मेरे को नहीं दिखाना हम तो दिखाएंगे आपको ही बाबू का इतना अच्छा फेस है उसके बावजूद भी दिखाना नहीं चाहते मेरे को मत दिखाइए मैं दिखा नहीं रही आपको इतना अच्छा फेस होने के बावजूद इतना सारा ताम झाम लगा के रखी हूँ मैं जल्दी जल्दी सोच रही पैकिंग कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी ज्वेलरी का वो सारी चीज़ें आज तो नहीं आज मुझे पैकिंग करना है तो फटाफट करते हैं दोनों मामा भंगना चले गए हैं पानी पूरी खाने और मुझे पैकिंग करनी है फटाफट
ये रहा दीपू बाबू का बैग, इतने सारे लगेज हो गए, ट्रॉली, दो बैग और दो एक रहा, तो भी ये सब भरना बाकी है। साथ में पानी पूरी जो बनाने वाली थी वो भी नहीं बनेगा क्योंकि बाहर से ही लेके आ रहे हैं। सारे सामान भरा जाए, देखते हो सारे लगेज होगा। फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। ये सारा सामान दीपू बाबू आएंगे फिर भर देंगे, पता नहीं कहाँ भरेंगे, मुझे तो पता नहीं। मैंने सोचा एक्स्ट्रा बैग ले लेंगे बट उन्होंने कहा नहीं, उससे यही सब सारे बैगों में जाएगा। तो इसको यहीं पे एंड करते हैं। बाकी अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाकी देखते रहो मेरे वीडियोज को, लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। कीप वॉचिंग माई वीडियो, बी हेल्दी बी बेस्ट। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे। कल मिलते हैं फिर एक अच्छे ब्लॉग के साथ। बाय, थैंक यू।